उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निजी मदरसों का सर्वे करा रही है, क्या है इस सर्वे का मकसद? हमारे साथ बात करने के लिए कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से सांसद विनोद सोनकर जी हैं। सर, क्या मकसद है योगी सरकार निजी मदरसों का सर्वे करा रही है? देखिए, मदरसे को सर्वे करा के इसका उद्देश्य मदरसों का आधुनिकीकरण करना है, जिससे मदरसे में आज की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जा सके। शिक्षा वो दी जा सके जिससे समाज में भाईचारा बढ़े, शिक्षा वो दी जा सके जो रोजगार परक हो, शिक्षा वो दी जा सके जो जब बच्चा पढ़ के वहाँ से निकले तो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सके। सर, ओवैसी का बयान है कि ये जो मदरसे का सर्वे हो रहा है ये छोटा NRC है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए समाज के एक बहुत बड़े वर्ग माइनॉरिटी को वो लोग वोट बैंक के रूप में देखते हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ से निकला हुआ बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और राष्ट्र में अपना निर्माण कर सके। वो केवल और केवल चाहते हैं कि मदरसे ऐसे बच्चों का निर्माण करे जो उनके वोट बैंक के रूप में काम आए। और दुर्भाग्यपूर्ण जब सरकार आधुनिकीकरण करके मदरसों का के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहती है, वैसे समय ये लोग विरोध करके निश्चित रूप से माइनॉरिटी का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। सर, इसमें ये भी आदेश दिया गया है कि जिले के जो भी SP हैं वो सर्वे कराएं और एक ठोस नीति बताएं, सुरक्षा दें, तो इस पर कैसी सुरक्षा मिलेगी? आपको नहीं लगता कि ऐसे मदरसे में सुरक्षा होनी चाहिए? जहाँ बेटे पढ़ रहे हैं, बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उनका आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए और उनका डाटा सरकार के पास नहीं होना चाहिए? ये कुछ लोग देश में हैं जो माइनॉरिटी विरोधी हैं। अपने वोट बैंक के खातिर वो लोग कभी नहीं चाहते कि माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ लिख के आ गए हैं। इसमें एक छोटा सा सवाल आ रहा है कि सरकार को शक है कि जो मदरसे हैं उनमें फंडिंग हो रही है, क्या इस सर्वे के बाद इसका खुलासा हो सकता है? देखिए, ये शक के आधार पे किसी बात का जवाब देना संभव नहीं है, ठीक है ना? और हम किसी को शक के निगाह से नहीं देखते, ठीक है ना? ये वो लोग हैं जो इस तरह का अफवाह फैला के BJP के और योगी जी की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। आज इनका वोट बैंक टूटता नज़र आ रहा है। आज जिस तरह से माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की सेवा हुई है, आज समाज का सभी वर्ग जात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर से उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के योगी और मोदी का समर्थन कर रहा है। इनकी राजनीतिक कुर्सी हिल गई, इसलिए परेशान है। जी हाँ, ये थे हमारे साथ कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर जी, जिन्होंने मदरसों के सर्वे पर बेबाक तरीके से अपना पक्ष रखा। कौशाम्बी से अभिसार भारतीया, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।